आज आप डेली वर्ल्ड टीवी के माध्यम से देखेंगे कि रामगढ़वा प्रखंड के ई किसान भवन में बाल विकास, शिक्षा, अस्पताल, सात निश्चय, नल जल योजना, बोरिंग और शौचालय की योजनाओं पर समीक्षात्मक बैठक की गई। ये बैठक सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, विधायक रामचंद्र सहनी, प्रखंड प्रमुख रीता देवी की अध्यक्षता में हुई। क्या गढ़ है आपको बोलिए, क्योंकि औरत को तो चुनाव निकालना पड़ जाएगा मजबूरी। सुनिए सुनिए ना, आपके लिए बात सुनिए, आपके लिए बात सुनिए, नहीं तो सुनिए, आप सुन लीजिए तब आप कहिएगा, आप सुनिए ना। आप सांसद है, आप कही जानते हैं, हमसे पूछ रहे हैं, जानते हैं, आप ऐसे भी तो बोल रहे हैं। अगर हम अपनी पत्नी को लड़ाई दिए तो उसको मौका देंगे आगे बढ़ने का, क्यों नहीं दीजिएगा? बैठक में कुछ बोलेंगे, आप जबरदस्ती बोली ना बनी है, आप ही जबरदस्ती क्या होगी? तुमको चुनाव लड़ना है, तुमको चुनाव जीतना, जब आपने जिता दिया तो उसकी प्रतिष्ठा रहने दी। मेरा यही आपसे अनुरोध है, जितना जिम्मेवारी पत्नी को पति की प्रतिष्ठा का है, उतना ही जिम्मेवारी पति को भी पत्नी की प्रतिष्ठा का होना चाहिए। जो भी हुआ सर, आज कह रहे थे उसको कैसे मान लिया जाए? सभी पंचायत समिति के सदस्य इस बात से एग्री करते हैं, सच्चाई तो है, उससे आपको कोई चिट्ठी निकला है, पंचायत समिति की बैठक के लिए योजनाएं आई थी लेने में, कोई और अगर एजेंडा हो तो मेरा अनुरोध होगा कैंसिल। अगर एजेंडा में आप लोगों की पंचायत समिति की कौन योजना लिया गया है, अगर केवल वही योजना में शामिल है तो आप लोग अगर आप नहीं थे तो इतना दो साल ढाई साल के बाद तो आप लोगों की। जब डेली वर्ल्ड ने इस समीक्षात्मक बैठक को लेकर संबंधित प्रतिनिधियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज की बैठक रामगढ़वा प्रखंड में पंचायत समिति सदस्यों के बीच हुई। इस बैठक के बारे में आप डेली वर्ल्ड टीवी तरीके से बैठक हुई है और जो भी समस्याएं थी उसकी चर्चा अन्य सदस्यों ने की है और अधिकारी भी थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया और लिखा भी है। कौन सी कार्यों की समस्या सर? जो भी समस्या यहाँ की लोकल थी चर्चा सर, मनरेगा से जुड़े कार्यों का, मनरेगा पर काम होगा, पंचायत समिति का मनरेगा से काम करा सकते, मनरेगा से जुड़े कार्यों के बारे में हाँ चर्चा हुई है। अब पंचायत समिति के सदस्य भी मनरेगा का काम करा सकते हैं और इस पर विस्तृत रूप में वीडियो ने जानकारी दी है लोगों को और पीओ ने जानकारी दी। सर रामगढ़वा विश्वविद्यालय में मनरेगा कोष से उसका जो फील्ड भरा जा रहा है, आधा गांव भरा हुआ है और बाउंड्रीवॉल किया जा रहा है, उत्तराखंड साइड में दक्षिण जो दीवार है उसे भी पूरा पश्चिम तक पूरा नहीं किया जा रहा है, जो बचेगा उसको हम लोग कराएंगे। फिर तो उसका अभी तक ठीक है, भरा हुआ है वाल का काम तो मनरेगा से ही जी, लेकिन दीवार वाला काम है हम लोग अलग से विचार कर रहे हैं करने के लिए। सर सात निश्चय योजना के द्वारा जो मतलब योजना है कहाँ तक सफल हो रही है आपके क्षेत्र में? अब जो काम उस पर चल रहा है, देखने के बाद जांच के बाद पता चल रहा है कि ठीक है कि नहीं, अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी। इसकी बात प्रखंड प्रमुख और समिति सदस्यों के बीच हुई, इस बैठक के बारे में आप डेली वर्ल्ड टीवी को बताएं। ये नॉर्मल बैठक थी और जो भी कार्यक्रम चलते हैं पंचायत समिति के तत्वाधान, जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबों की हम लोगों ने समीक्षा की, लेकिन अफसोस है कि बहुत सारे अफसर नहीं थे। मैं तो पहली बार पंचायत समिति की बैठक में आया हूँ रामगढ़वा और इस पर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखे जो करना है वो करेंगे। मूल किन कामों में जो समीक्षा हुई आप लोग? अभी जो मनरेगा के तरफ से हम लोगों ने जो परमिशन दिलवाया है तो कोई भी मुखिया या कोई डेवलपमेंट करता है तो केवल अपने पंचायत के भीतर करता है। पंचायत समिति का मुख्य उद्देश्य है कि दो पंचायतों को
जोड़ने वाली जो प्रमुख योजनाएं हैं उनका अनुपालन ये पंचायत समिति करती है और दो प्रखंडों को जोड़ने वाली योजनाओं का अनुपालन जिला परिषद करता है। तो उन सबों से हम लोगों ने मांगा कि दो पंचायतों को जोड़ने में जो जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सब लिखित में दें और वो आगे कार्रवाई के लिए हम लोग। तो आपके देखने में क्या कमी आई है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अटेंडेंस में बात कर रहा हूँ। जो जो पदाधिकारी नहीं थे तो यह अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए मैं और विधायक जी पंचायत समिति में नियम है कि आप प्रतिनिधि भेज नहीं सकते। हालांकि यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि थे लेकिन हम लोगों ने जो कि सरासर गलत, लेकिन फिर भी जो कमियां थी वो हम लोगों ने लिया और जो एबसेंट होना पंचायत समिति की अवहेलना है तो ये तो हम लोग जरूर इसकी शिकायत डीएम को डायरेक्ट करेंगे। और सर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंगड़वा है उसका जो 30 बेड का जो अस्पताल बनने वाला था उसके लिए जमीन कहीं मुहैया नहीं हो रहा है पंचायत समिति से पूछिए। अस्पताल का सारा जो ये है पंचायत समिति के अंदर में, जमीन दिलाना भी उनका काम है। ज्यादा अच्छा होगा आप प्रखंड प्रमुख बताएंगे, अगर प्रखंड प्रमुख को कोई दिक्कत है तो वो हमको बताएं, हम अपने स्तर से सॉल्व करें। आप इस संसदीय क्षेत्र के वरीय हैं, बिल्कुल जवाबदेही बनती है। बिल्कुल जवाबदेही बनती है, वो हमको बताएंगे कि क्या दिक्कत है, जो बताएंगे दिक्कत वो मैं दूर करवा दूंगा। लेकिन अगर जमीन कहीं नहीं है तो इसका खोजना प्रखंड प्रमुख का ही काम है। सर, बहुत पहले से पीएचसी का जो जमीन है रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय कैंपस में ही हुआ करता था, पर अलग तो बनना ही चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं। जांच करवाई जाए किस चीज की? जमीन की। जमीन बिल्कुल प्रखंड का दायित्व है, पंचायत समिति का दायित्व है कि वह अपना सुविधा से देख करके जहां जमीन उपलब्ध है तो पंचायत समिति को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आपके द्वारा निर्देश दिया जाए पंचायत समिति को? बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पे मीटिंग में नहीं उठाया गया तो मैं बोलूंगा, मैं अलग से प्रमुख जी को बोलूंगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से लेकर सीडीपीओ तक सारे ऑफिसर प्रभार में, इसका क्या कारण? कोई तो चला गया बीमारी के नाम। आप जानते हैं पहले जो अंचलाधिकारी थे बीमार रहते थे बराबर, वो अपने चले गए, उनके बदले में कोई प्रभार में आया। आधापुर का अंचलाधिकारी आए थे और उनका उनकी भी तबीयत खराब, वो भी चले, उसके बाद दूसरा दूसरे आदमी प्रभार में आया। एक चले गए सर, इसका ट्रेनिंग नहीं तो अब तो इसके बाद स्थायी समाधान जिस महीना स्थायी समाधान होना चाहिए, समाधान जून महीना हो जाए। सोरा मंडल के रघुड़ा प्रखंड है, लोग दूर दूर से आते हैं, उनके कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाता है, लोग प्रखंड में चले जाते हैं। तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग होती है जून महीने, साल में एक बार, तो इस बार जून में कुछ हो गया, कुछ नए लोग आए। साथ ही रामगढ़वा पंचायत के भूमिहारी टोला गांव निवासी रामायण पांडे और भाग्य नारायण राय ने डेली वर्ल्ड टीवी से बताया कि वार्ड नंबर 15 द्वारा नल जल योजना के तहत बन रहे नलकूप को वार्ड सदस्य के द्वारा बिना ग्राम सभा कराए ही निजी जमीन पे ट्यूबवेल टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। रामगढ़वा पंचायत ग्राम 17 भूमिहारी टोला वार्ड नंबर 15 में नल जल योजना का प्रोग्राम आज से शुभारम्भ किया गया है, जिसमें अनियमितता बरती गई है। वार्ड प्रकार की अनियमितता बरती गई है आपके देखने में? वार्ड सभा नहीं किया गया, जमीन का व्यवस्था जनता से नहीं कराया गया, वार्ड अपने मनमाने ढंग से अपने निजी जमीन में अपने घर के पास योजना का शुभारंभ किया। ऐसा नियम है कि निजी जमीन पे उसको गाड़ा जा सकता है, बोरिंग बनाया जा सकता है, जब आम जनता का सहमति से कहीं बन सकता है, लेकिन अकेला नहीं। आपके गांव में इस नलकूप योजना के तहत बोरिंग गाड़ने के लिए सरकारी जमीन है उपलब्ध वहां पे? हमारे गांव में सरकारी जमीन भी है, अन्यथा और जमीन भी जो वार्ड सदस्य को छोड़ करके जो रोकवादी जहां से पूरी जनता को उसकी लाभ मिले वहां जमीन उपलब्ध है, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से अपने घर के पीछे बांसवाड़ी में उसको ले आके गाड़ रहे हैं, जिसको कि ना कोई जनता देख सकता है, ना सरकार का जो काम हो रहा है उसका जो है सरकार का जो सोच है उसके ऊपर जनता को लाभ मिल सकती है। इस निर्माण कार्य में वार्ड सदस्य के द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है उसकी जानकारी आपने प्रखंड विकास पदाधिकारी रामगढ़वा को दी है? आज ही हम लोगों को ये चीज पता चला है, वहाँ जाकर के बोरिंग वाला कारोबार लड़ाई हो रही थी, हम लोगों ने वहाँ पर रोक करके एक आवेदन हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को
समर्पित किया। इसकी जांच की गई प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा? नहीं, आज तो समर्पित किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जरूर इसकी जांच करेंगे। जब वार्ड सदस्य की नल जल योजना के ट्यूबवेल निर्माण में की गई अनियमितता के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार से डेली वर्ल्ड ने पूछा तो उन्होंने बताया कि सिंचाई के लिए एक दुबेटोला गांव का है और एक धनर सरे में भदोही माई मंदिर स्थान के पास में है और एक 2006 में विधायक अजय सिंह के टर्म में ट्यूबवेल गाड़ा गया था यहाँ रमुड़ा बाजार में। उसका पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है, सब पोस्ट भी बना दिया गया है, लेकिन उसका टैंक नहीं। उसका भी चैनल बना हुआ है सर, दुबेटोला वाला का चैनल बना हुआ है, लेकिन सब से हला है तो उसे आज तक चार्ज भी नहीं है। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन होंगे जो डायरेक्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये आपको लिस्ट आप उपलब्ध करा देते हैं तो संबंधित विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से। और सर, नल जल योजना के तहत इस प्रखंड के रामगढ़वा पंचायत के अंतर्गत टोला गाँव में ट्यूबवेल गाड़ा जा रहा है, वो बिना ग्राम सभा किए, बिना आम सभा किए निजी जमीन पर गाड़ा जा रहा है, इसके बारे में वहाँ के ग्रामीण रामायण पांडे और भगवान राय आपको आवेदन की देश नहीं नाम करके आदमी इसकी कार्रवाई में आप क्या करें? इसको हमसे संयुक्त जाँच जेई और जीपीएस बना देते हैं, वेरिफिकेशन करना है। होता क्या है जनरली कि जो गांव का एरिया है पाइपलाइन का फिक्स है, मेन पाइपलाइन कितने गाँव के बाहर हो तो पाइपलाइन उतना ही दूर होगा और उसका फोर्स और प्रेशर जो है उतना ही धीरा होगा, इसलिए समान प्रक्रिया यही है कि गाँव के अंदर ही वो जमीन चयनित है। यदि सरकारी जमीन नहीं है तो उस परिस्थिति में निजी जमीन का चयन किया जा सकेगा, बशर्ते कि इस उसके एवज में तो मुआवजा सरकार से वो नहीं मिलना, प्रॉपर उसका एफिडेविट होगा उसके बाद से रजिस्ट्री का प्रोसेस होगा और उसके काम हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस हम एक बार दिखवा लेते हैं, जो भी उसमें कमी होगी यदि सुधार के योग्य होगा ठीक है, तो ठीक है, नहीं यदि कार्रवाई के लिए होगा तो ठीक है। कैमरामैन रुपेश सागर के साथ मुकेश कुमार त्रिपाठी, डेली वर्ल्ड टीवी के लिए।